हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल इन माय क्लास इन द क्लास ऑफ अकाउंटेंसी वेयर वी वर डिस्कसिंग एंड डीलिंग विद द टर्म टू सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी एंड डीलिंग दैट इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव टी रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बिफोर दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ टर्म टू. टूडे कंटिन्यूइंग द सेम टॉपिक the same term syllabus we will start a new chapter that is financial statement with adjustment. So, but before starting financial statement with adjustment we would I would like to deal the concept and the significance of adjustment means in order to make have a clear sense to financial statement with adjustment we should also have a concept that is adjustment. आइए जानते हैं कि एडजस्टमेंट क्या होती है और एडजस्टमेंट किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करती है. तो सबसे पहले बात करें हम अगर एडजस्टमेंट की, एडजस्टमेंट्स आर बेसिकली द एडिशनल इंफॉर्मेशन विच अ फॉर्म on which is required to be adjusted, required to be recorded in financial statement of the company to extract more accurate and more reliable information to the interested parties. Okay, I hope the concept is very much clear to you. यहाँ हमने बात की कि financial statement क्या होता है और financial statement के क्या मायने होते हैं. Related to the adjustment हमने बताया कि एडजस्टमेंट क्या होती है. एडजस्टमेंट्स आर दैट एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, वो अतिरिक्त सूचनाएं होती हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिनको हम रिकॉर्ड करते हैं दैट आर रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड इस रिकॉर्डिंग से हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा रिलायबल हो जाती है. इसकी रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी को और ज़्यादा बढ़ा देती है और इसके साथ साथ उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लेती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में दैट आर ट्रीटेड एज फाइनेंशियल स्टेट आर एज द एडजस्टमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. यानी उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट या उस ऑर्गेनाइजेशन के एक स्पेसिफिक पीरियड के टाइम जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको हम एडजस्टमेंट कहते हैं. ठीक है, एंड वन मोर थिंग शुड बी नोटेड हियर दैट दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी accounting books or books of accounts and that is why these are needed to be recorded in the books of account twice. Okay, that is why it should be recorded in the title books twice.
ठीक है, इसको जब हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में रिकॉर्ड करते हैं तो ऐसी कंडीशन में दो बार जो है एटलीस्ट दो बार जो है इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एटलीस्ट दो बार। ठीक है, ठीक है। सो होप द एडिशनल इन्फॉर्मेशन और द एडजस्टमेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। लेट अस टॉक अबाउट सम मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ द सम मेजर एग्जाम्पल ऑफ द एडजस्टमेंट, बट बिफोर दैट वी विल डील द इम्पॉर्टेंसेज एंड द फीचर्स ऑफ एडजस्टमेंट्स। सो लेट अस टॉक अबाउट द एडजस्टमेंट्स रिलेटेड इम्पॉर्टेंस, या वी कैन से द एडवांटेजेस ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ of accounting of adjustments। adjustments के क्या फायदे होते हैं? तो सबसे बड़ा फायदा हमारी adjustment का ये होता है कि हमारी adjustment के बाद जो financial statement बनती है वो ज़्यादा accurate और ज़्यादा reliable होती है। ऐसा इसे कहा गया है, increases more reliable and more accurate financial statements, यानी जो financial statement की help से बनते हैं that are more reliable and more accurate। ठीक है, दूसरी चीज more useful for interested party हमारी इंटरेस्टेड पार्टी के लिए ज़्यादा यूजफुल भी हो जाता है। इसके अलावा rectification itself of omission, जो भी errors जो है omit हो जाती है, छूट जाती है, उनकी rectification वो अपने आप हो जाती है when we made the adjustment। ठीक है, और चौथा application of full disclosure concept, जो full disclosure concept है उसकी application भी हो जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ books are based on accrual basis of accounting, accrual basis of accounting, accounting accrual system से based हो जाता है, यानी accrual system के आधारित हो जाता है जब हमारी जो जब हमारी ट्रांजेक्शन जो है अल्टीमेटली
एडजस्टमेंट के साथ जो है बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसमें थोड़ी ज़्यादा रिलायबल हो जाती है और इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो एक्रूवल बेसिस पे हो जाती है। यानी एक्रूवल का मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन जो है हमारा किसी टाइम पीरियड में एग्जिस्ट होता है और उसकी रिकॉर्डिंग हम कर लेते हैं इवन जब कैरी द पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट और रिसीव्ड और नॉट, तो ये जो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है इसी बेसिस पे हमारी जो बुक्स हैं थोड़ी साइंटिफिक हो जाती हैं, थोड़ी एडवांस हो जाती हैं। ठीक है, और इसके बेसिस पे जो है हम अपनी बुक्स को ज़्यादा बेटर तरीके से जो है रिप्रेजेंट करते हैं बिफोर द अदर पार्टी। कि अगर कोई टाइम पीरियड में किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो उस टाइम पीरियड में उस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा एक्यूरेट आ सके और उसकी जो प्लानिंग है उस प्लानिंग को जो है हम ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से मेंटेन कर पाए। यानी अगर हम कुछ और एडवांटेजेस की बात करें तो यू कैन से द मोर एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, इसके अलावा मोर साउंड प्लानिंग एंड इजियर कंपैरिजन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ये कुछ मेजर एडवांटेजेस थे हमारे जो हम अवेल करते हैं वाइल एडजस्टिंग वाइल मेकिंग द एडजस्टमेंट। हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब एडजस्टमेंट के साथ रिकॉर्ड करते हैं सो लेट अस रिकॉल इट अगेन। हमने बताया कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट है दैट आर नॉट बेसिकली द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच हैज़ बीन मेड विथ सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ हम एडजस्टमेंट को एक बार फिर से रिकॉल करें, एडजस्टमेंट हमने बताया कि एडजस्टमेंट्स आर बेसिकली the additional information which are required to be recorded in the financial statement to extract more accurate or more reliable information to the interested parties। यानी हमारी अकाउंटिंग बुक की जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन देने के लिए हम अपने ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन के बाद जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करते हैं और उनको अपने फाइनेंशियल बुक्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिकॉर्ड करने की रिक्वेस्ट करते हैं हमारे अकाउंटेंट से, दीज एडिशनल इन्फॉर्मेशन आर नोन एज एडजस्टमेंट। और इनके बेसिस पे हमारी जो बुक्स हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा रिलायबल हो जाती है। वन थिंग शुड बी नोटेड दैट दीज आर एडजस्टमेंट्स और दीज एडिशनल इन्फॉर्मेशन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक्स एट ऑल। मीन्स बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दीज एडजस्टमेंट आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट। दैट इज वाई एंड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दीज एडजस्टमेंट शुड बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एटलीस्ट ट्वाइस। कम से कम दो बार इसकी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके होने वाले इसके प्रयोग से होने वाले फायदों की। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो है दिस इज मोर रिलायबल एंड मोर एक्यूरेट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है वो ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा एक्यूरेट होती है, जैसा अभी हमने डेफिनेशन में भी बताया। इसके अलावा दीज इन्फॉर्मेशन आर मोर यूजफुल टू द इंटरेस्टेड पार्टी। जो इन्फॉर्मेशन हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकल के आती हैं वो हमारी इंटरेस्टेड पार्टी के लिए ज़्यादा यूजफुल हो सकती हैं क्योंकि वो कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अवेल करती हैं। साथ ही साथ अगर किसी टाइप की ओमिशन हो जाती है टिल द ट्रायल बैलेंस तो उस ओमिशन को एडजस्टमेंट अपने आप रेक्टिफाई कर लेता है और उनके इफेक्ट को मिनिमाइज कर देता है या प्रिवेंट कर देता है विजन से। और इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट की, तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि अगर ट्रांजेक्शन हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से रिलेटेड है तो उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। और इसीलिए हम एडजस्टमेंट के बेसिस पे
उन ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड कर देते हैं जिनकी रिकॉर्डिंग हमने ट्रायल बैलेंस तक नहीं की है। तो ऐसी कंडीशन हम कह सकते हैं कि दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द रूल ऑफ फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम जो है अगर बात करें एक और एडवांटेज की, दैट हैज बीन सेट एज बुक्स आर बेस्ड ऑन एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग विच इज मोर साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। यानी जब एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं तो एडजस्टमेंट के बाद हमारी बुक जो है वो ना केवल कैश बेसिस हो जाती है बल्कि एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पे प्रिपेयर हो जाती है, जिससे हमारी बुक में ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच आ जाता है और वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो जाती है। और साथ ही साथ कुछ और एडवांटेजेस की हमने बात की, जिसमें हमने बताया कि अगर एडजस्टमेंट हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो एडजस्टमेंट की हेल्प से हमारे प्रॉफिट की ज़्यादा एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो जाती है और साथ ही साथ जो प्लानिंग होती है वो प्लानिंग भी थोड़ा साउंड हो जाती है, यानी अच्छी प्लानिंग हम कर पाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ईजियर कंपेरिजन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की ज़्यादा ईजियर तरीके से कंपेरिजन कर पाते हैं, क्योंकि जब हम एडजस्टमेंट्स देखते हैं या अदर पार्टी के ट्रांजेक्शन देखते हैं तो वहाँ पे जिस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग हमने एडजस्टमेंट के रूप में नहीं की है या एडजस्टमेंट के पहले नहीं की है, एडजस्टमेंट के बाद जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम ऐड कर लेते हैं तो दैट इज़ मोर ईजियर टू कंपेराइज द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म विद द अदर पार्टीज टू हूम वी हैव इंटरेक्टेड। होप द एडवांटेजेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर वेरी मच क्लियर टू यू। लेट अस टॉक अबाउट सम मेजर एंड इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंड लेट अस डील विद द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दैट ऑल्सो, दैट हाउ दिस एडजस्टमेंट विल बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मेजर एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी एडजस्टमेंट आती है, तो उसमें सबसे पहले एडजस्टमेंट है इसको अभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी पढ़ा पिछले चैप्टर में जब हम विदाउट एडजस्टमेंट की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक में हमने बताया कि क्लोजिंग स्टॉक क्या है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स अनसोल्ड गुड्स in the, or you can say at the end of the financial period. At the end of the financial period. ठीक है, लेकिन एडजस्टमेंट के रूप में अगर हम क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि विच हैज नॉट बीन वैल्यूएटेड टिल द preparation of trial balance। अब ऐसी सिचुएशन में अगर इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात हम अगर करें तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में पहली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है इसकी क्रेडिटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में इसको हम क्रेडिट करते हैं। और ऐसी सिचुएशन में अगर जर्नल एंट्री की बात की जाए तो इसकी जर्नल एंट्री को हम क्लोजिंग एंट्री भी कहेंगे, which will closing a stock account debit to trading account। trading account जो है credit होगा और journal entry में closing account debit किया जाएगा। वैसे situation में जब ledger की posting होगी तो posting में हम trading account के credit side में इस closing stock की value को record करेंगे।
ठीक है। अब यहाँ एक कंसिडरेबल बात ये है कि अगर इफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी गिवन एज और यू कैन से गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस देन इट वुड नॉट बी credited, credited as above, ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस में इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को दिखाया गया है तो ऐसी कंडीशन में क्लोजिंग स्टॉक की कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। कहाँ नहीं होगी, तो ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो क्लोजिंग एंट्री हमने बताई वो क्लोजिंग एंट्री नहीं होगी, ठीक है। आई होप द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द क्लोजिंग स्टॉक और द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द क्लोजिंग स्टॉक इज वेरी मच क्लियर टू यू। इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस लेंगे हम आगे कुछ और एडजस्टमेंट को डील करने के बाद, और उन एडजस्टमेंट के डील करने के बाद जो प्रॉब्लम्स होंगी उनमें हम एडजस्टमेंट के रूप में क्लोजिंग स्टॉक को भी रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद जानेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक को किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट में यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में जो है रिकॉर्ड किया जाता है और अकाउंटिंग बुक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर वेरी मच क्लियर टू यू। अब इसके बाद अपनी अगली नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ और मेजर इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स की, जैसे दैट इज आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड, प्रोविजन फॉर डेट्स, डेब्ट, बैड डेब्ट्स और डिस्काउंट ऑन बुक डेब्ट्स। ऐसी बहुत सारी एडजस्टमेंट हैं जो इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ हमारी इंटरेस्टिंग भी होती हैं, लाइक प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होती हैं। तो आगे जो भी एडजस्टमेंट्स होंगी उनको करने में हम और ज़्यादा सीखेंगे और ज़्यादा इंजॉय करेंगे। सो होप ऑल द क्लासेज ऑफ द अकाउंटेंसी आर गोइंग टू बी गुड बिफोर यू। सो लेट अस सी ऑल दीज कॉन्सेप्ट अगेन। हमने आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में फाइनेंशियल एडजस्टमेंट को बताया कि एडजस्टमेंट क्या होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जिनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं और उससे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिलायबिलिटी आ जाती है और ये ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में आपको दो कंसिडरेबल इन्फॉर्मेशन भी हमने बताई, जिसमें पहली इन्फॉर्मेशन थी हमारी क्या, दैट दीज एडजस्टमेंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और दूसरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई कि दीज एडजस्टमेंट शुड बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम दो बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी रिकॉर्डिंग हो। कुछ एडवांटेजेस हमने आपको गिनाए कि एडजस्टमेंट की हेल्प से हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और ज़्यादा रिलायबल हो जाती है, एक्यूरेट हो जाती है, इसकी यूजफुलनेस बढ़ जाती है, रेक्टिफिकेशन जो है अपने आप हो जाती है, जो ओमिशन हम अपने ट्रांजेक्शन्स में बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं उसकी अपने आप रेक्टिफिकेशन हो जाती है जब हम प्रॉपर एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसके बाद जो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट है उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, और साथ ही साथ जो बुक्स हैं उनकी प्रिपरेशन हो जाती है एज ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिससे बुक में साइंटिफिकनेस आ जाती है। और इसके अलावा हमने बताया कि जो एडजस्टमेंट्स होती हैं एडजस्टमेंट के बाद हमारी प्रॉफिट ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है, उसमें उसके बेसिस पे जो हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, और साथ ही साथ हमारी बुक को अदर बुक के साथ कंपेयर करना आसान हो जाता है। और एट द एंड ऑफ द ऑल हमने कुछ और चीज़ें बताई, कुछ कॉमन एग्जांपल्स लिए, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया क्लोजिंग स्टॉक का और बताया कि क्लोजिंग स्टॉक जो है अगर एडजस्टमेंट में दिया हो तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में और करंट असेट्स के रूप में बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, लेकिन अगर एडजस्टमेंट में ना दिया हो तो जैसे हम पहले रिकॉर्ड करते थे केवल उसी तरीके से बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की कोई एंट्री नहीं होगी। होप द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। वी मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।